एचएन यूनिक डिवीजन कमिश्नर चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को, प्यारे बरसे के स्टूडेंट्स को और जो भी हमारे मित्रगण हैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम लोग का फिनॉल का चल रहा था, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का स्टार्ट हुआ है, इसमें ध्यान दीजिएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट जो चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बट ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, फिर भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई भी वीकनेस है केमिस्ट्री से रिलेटेड तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके लाल पेपर कलम लेके बैठ जाइए, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो फिनॉल का हम लोगों ने कंटिन्यूअस वहाँ पर कल के लेक्चर से हम लोगों ने देखा था। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया लाल, सभी लोग कंप्लीट हो गया लाल, इंट्रोडक्शन सभी लोग कंप्लीट हो गया। फिनॉल का जो होता है IPSC का नेम क्या होता है लाल? बेंजेनॉल करके, क्या होता है लाल? बेंजेनॉल। फिनॉल का IPSC नेम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा लाली? बेंजेनॉल। क्लियर हो गया। और फिनॉल की खोज किसने किया था? इसमें एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। क्लियर। और जब इसमें एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? ये जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए, अच्छा आगे की तरफ देखते हैं। तो इसी में हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज होती है, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? ये जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं लाल, चलता है। तो इसमें एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज होती है, सारे इसकी पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिनॉल के जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये भी सारे क्लियर हो गए। अब यहाँ पर एक बार सीरियल से मतलब कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा कि जो क्रिसॉल होता है, क्रिसॉल क्या होता है, कैटचॉल क्या होता है, ये सारे पॉइंट बता दिए गए थे, समझ में आ गया था सभी लोगों के। नेम इसके सारे क्लियर कर लीजिएगा सभी लोग, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। फर्स्ट कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? कैटचॉल। क्या हो जाएगा लाल? ये कैटचॉल। दूसरा सेकंड कौन सा हो जाएगा लाल? क्या हो जाएगा? कैटचॉल। क्यूनॉल। क्या हो जाएगा बेटा? ये क्यूनॉल हो जाएगा। क्लियर। फिर अगला कौन सा हो जाएगा? रिसोर्सिनॉल। आ गई बात सुन बेटा? रिसोर्सिनॉल हो जाएगा। फोर्थ कौन सा हो जाएगा बेटा? पायरोगैलॉल। क्या हो जाएगा बेटा? पायरोगैलॉल। आ गई बात सुन में? पायरोगैलॉल। फिर अगला कौन सा हो जाएगा लाल? पॉइंट नंबर फाइव में क्या हो जाएगा? पायरोगैलिसिनॉल। क्या हो जाएगा? पायरोगैलिसिनॉल। पॉइंट नंबर सिक्स क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सीक्विनॉल। आ गई बात सुन में? तो हाइड्रोक्सीक्विनॉल हो गया। फिर अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? पॉइंट नंबर सेवन पायरोगैलॉल हो गया, फिर ये हाइड्रोक्सीक्विनॉल हो गया, हाइड्रोक्सीक्विनॉल। फिर अगला बताया गया कौन सा? कौन सा हो जाएगा? अभी एक और होगा इसमें, कौन सा? पायरो तो आपका कंप्लीट हो गया, हाइड्रोक्सीक्विनॉल कंप्लीट हो गया, हाइड्रोक्सीक्विनॉल हो गया, पायरोगैलॉल हो गया। अब कौन सा बच्चा? क्रिसॉल। कौन सा है? क्रिसॉल। पॉइंट नंबर सिक्स हो जाएगा आपका क्रिसॉल। आ गई बात समझ में? बैठ जाओ बेटा जल्दी से। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। मतलब ये आप देखिए, ध्यान दीजिए, इन्हीं के सबके हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, इनकी जो है नेमिंग करना सीख जाएंगे, उसके बाद ये देखेंगे IPSC नेमिंग कैसे क्या होती है। ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, यहाँ पे कैटचॉल हो गया, कैटचॉल, क्यूनॉल, रिसोर्सिनॉल, पायरोगैलॉल, पायरोगैलिसिनॉल, पायरोगैलिसिनॉल, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल और ये हो जाएगा क्रिसॉल। क्या हो जाएगा लाल? क्रिसॉल। अब इनके स्ट्रक्चर हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझेंगे, है ना, इनके स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखिए कैटचॉल का स्ट्रक्चर समझेंगे, कैटचॉल। लेकिन यहाँ भी कल के लेक्चर में आपको बताया गया था कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, इसमें जितने भी एग्जांपल आप देखोगे ये सब डाई और ट्राई के ही एग्जांपल हैं, डाई एंड ट्राई के ही एग्जांपल हैं। अब इसमें जब इसमें डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की जब बात की जाती है,
तो ये हम लोग जानते हैं कि OH नंबर पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मतलब जब एरोमेटिक रिंग से एक का एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आप लोग क्या बोलेंगे उसे, मोनोहाइड्रोफिनॉल। जब दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रोफिनॉल। जब तीन प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रोफिनॉल। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, अब चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कैचॉल, केनॉल, रिसॉर्सिनॉल, फ्री हो जाएगा पायरोगैलॉल, पायरो ग्लिसिनॉल, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल एंड क्रिसॉल, इन सभी के स्ट्रक्चर जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग अब समझेंगे। क्लियर, एक बार आप लोग एक वाइबल में बोलेंगे, कंटिन्यूस बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा लाल, ये कैचॉल, सेकेंड लाल, फिर भैया, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी के एक पॉइंट्स नोट कीजिएगा। ये जो होते हैं इसमें डाई ट्राई तीनों के एग्जांपल बताए गए हैं, इसी में ये जो आप नेम प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, ये आपके किस कौन से नेम हो गए, ये आपके डाई हो गए, मीन्स ये आपके बोल सकते हैं ये ट्रायल नेम, कॉमन नेम जिसको बोल सकते हैं, ठीक। कैचॉल, रिसॉर्सिनॉल, ये सब क्या हो गए, ये कॉमन नेम हो गए। क्या चिल्ला, फोन नंबर पे बेटा, ये आपका पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल, आ गई बात सुनने, पायरोगैलॉल। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया, सुन में आ गया। चलिए स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आपके एक चीज आप लोग क्लियर हो गया, मोनोहाइड्रिक जो फिनॉल होता है, किसकी बात की गई है, जब मोनोहाइड्रिक फिनॉल की बात होती है जिसमें OH की संख्या कितनी होगी लाल, एक होगी, बात समझ में आ गई ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल में OH समूहों की संख्या एक होगी, ये आपका OH हो गया, आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं इनके अदर सभी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कैचॉल से, किससे स्टार्ट करेंगे, कैचॉल। तो यहाँ पर आप जब एक ग्रुप और जोड़ देंगे, पहले एक चीज मैं आपको कॉमन वाले बता देता हूँ, पहले मैं कॉमन वाले बता दूं, तब ये कैचॉल और ये क्यूनॉल के बारे में बताता हूँ, चलिए फिर रिसॉर्सिनॉल के बारे में बताता हूँ। रीजन क्या है, यहाँ पर जो ये पायरोग्लिसनॉल और ये पायरोगैलॉल और हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, इन तीनों के स्ट्रक्चर सेम हैं, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्मूले सेम हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंस है, फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, इसीलिए स्ट्रक्चर के बिहेव पे इनके नाम रखे गए हैं, क्या, पायरो गैलॉल, हाइड्रोक्सी पायरो ग्लिसनॉल, पायरो ग्लिसनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पायरो ग्लिसनॉल, पायरो ग्लिसरॉल, ग्लिसनॉल, हाँ पायरो ग्लिसनॉल, क्लियर, पायरो ग्लिसनॉल। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अब जब बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पायरोगैलॉल की, किसकी बात की जाएगी, पायरोगैलॉल की बात की जाएगी। तो यहाँ पर OH की जो पोजीशन होगी वो कंटिन्यूअस होगी, क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। एक चीज नोट करिएगा इसमें, कंटिन्यूअस जो होगी, तो ध्यान रखिएगा इसमें OH ग्रुप जो होगी, OH ग्रुप कितनी बार होगा यहाँ पर, तीन बार, तो एक टू थ्री, तो मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई। तो एक चीज समझ में आ गई लाल, अगर OH समूह की संख्या एक बार होगी तो क्या हो जाएगा, अगर टू होगा तो, तीन होगा तो, बात समझ में आ गई, मतलब भैया ये है, ये जो होते हैं ये आपके पायरो जो होता है, एक चीज आ गई, ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में, UP बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन पायरोगैलॉल से रिलेटेड आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आया है, ध्यान रखिएगा। तो ये पायरोगैलॉल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये, अब इसमें माइंड में एक ही चीज सेट करना है, क्या दिक्कत हुआ, जाओ निकल आ जाओ, आ जाओ जल्दी, हो जाओ जाओ, निकल जाओ पीछे, नहीं अकेले बोल नहीं पाओगे कुछ, जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो, ध्यान दो भैया, ठीक हो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ उसी, बैठ जाओ सीट पर, बैठ जाओ ऊपर, ना दिखाई पड़े बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस सोन में आना चाहिए बस, है ना, बोर्ड में ना बैठना बस, बोर्ड पेपर में, है ना, नहीं वो रेड पेन जहाँ चला देंगे काम खत्म, उसमें बड़ी पावर होती है रेड पेन में, ध्यान दीजिएगा। OH कितनी बार होगा इसमें, अब माइंड में, ए लाल, हे भैया इधर देखो लाल, अब माइंड में इमेज बनाओ, क्या जब OH की पोजीशन कंटिन्यूअस होगी, जब OH की पोजीशन कंटिन्यूअस होगी, मींस
पैरा आर्थोमेटा पे, पैरा आर्थोमेटा पे ओएच ग्रुप जुड़ा होगा, कौन सा ग्रुप? तो क्या कहलाएगा? आ गई बात सुन में, क्लियर? ये पॉइंट सुन में आ गया, सुन में आ गया भैया, सभी लोग क्लियर हो गया? मतलब पायरोगैलॉल में एक चीज सीखने को मिला, इसमें जो ओएच ग्रुप होंगे ये कॉन्टिन्यूअस जुड़े होंगे, इनमें डिफरेंस बीच में नहीं होगा। मतलब पैरा आर्थो मेटा, ये नहीं कि पैरा मेटा फिर मेटा, तो ये पायरोगैलॉल कंडीशंस में इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मीन्स वन टू थ्री कंटिन्यूअस होगा, क्लियर? तो ये पायरोगैलॉल सम में आ गया। अब चलते किसके पास? पायरोगिलिसिनॉल, पायरोगिलिसिनॉल, गिलिसिनॉल, पायरो, मेरे साथ बोलो पायरोगिलिसिनॉल, है ना? पायरोगिलिसिनॉल मीन्स ये पायरोगिलिसिनॉल, ये बात समझ में आ गई? तो पायरोगिलिसिनॉल जो होता है, पायरोगिलिसिनॉल जो होता है, इसमें ध्यान रखना, तो ये पायरोगिलिसिनॉल में क्या हो जाएगा, बोल दो, दो मिनट बैठे। पायरोगिलिसिनॉल जो होता है, इसमें ध्यान रखना, तो ये जो पायरोगिलिसिनॉल में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना? मतलब ध्यान देते हैं, एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा आपका, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करना है, पायरोगिलिसिनॉल आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पायरोगिलिसिनॉल जो हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ओएच ग्रुप यहाँ, अब माइंड में एक इमेज सेट करना है, माइंड में एक इमेज सेट करना है, ओएच की पोजीशन यहाँ अल्टरनेट फॉर्म में होगी, माइंड में सेट कीजिए, ओएच की पोजीशन यहाँ अल्टरनेट फॉर्म में होगी, मतलब इसमें भी तीन ओएच होगा, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ओएच की पोजीशन यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में होगी, मतलब एक ओएच ग्रुप यहाँ पे होगा, एक ओएच ग्रुप यहाँ पे होगा, और दूसरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और थर्ड वाला आपका कहाँ, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको आप ओएच नहीं लिखेंगे, एच ओ करके लिखेंगे, का आप क्लियर हो गई? है ओएच ही ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? ओएच ही ग्रुप है। अब देखिए लाल, यहाँ ओएच कितनी बार है? तीन बार। यहाँ ओएच कितनी बार है? तीन बार। इनकी पोजीशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। इनकी पोजीशन? इनकी पोजीशन दोनों में डिफरेंस, दैट इज पायरोगैलॉल एंड, माइंड में सेट हो गई बात? मतलब इसमें ये भी ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है और ये भी, ये दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? सेम में मींस क्या है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक है, तो ये दोनों ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, बट इन दोनों में ओएच की पोजीशन डिफरेंस होने की वजह से इनको यहाँ पर डिफरेंशियल पायरोगैलॉल और ये पायरोगिलिसिनॉल, आ गई बात सुन में? क्लियर? अब बात करेंगे एक जो एक्सेप्शन में और बचा है, हाइड्रोक्सीक्विनोन, किसकी बात करेंगे? हाइड्रोक्सीक्विनोन, आगे बात सुनने, और जब हाइड्रोक्सीक्विनोन की बात की जाती है, बात सुनना, तो हाइड्रोक्सीक्विनोन में आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, एक चीज माइंड में तो सेट हो गया, इसमें भी ओएच समूहों की संख्या तीन ही होगी, इसमें भी ओएच समूहों की संख्या तीन बार, बात समझ में आ गई? अपना कॉन्सेप्ट क्या है, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, टेस्ट में कंफर्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, ये कौन सा अल्कोहल फिनॉल है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ये कौन सा है? दोनों क्या हैं? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, और ये भी क्या होगा? ये तीनों क्या होंगे? लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर, एक आपका ये ओएच हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा लाल, एक आपका ओएच ग्रुप यहाँ हो जाएगा पीछे वाले भैया, और एक आपका हो जाएगा यहाँ पर ये ओएच आर्थो पे। तो अब इसको आप कहोगे माइंड में, एक तो इमेज बन गया कि कंटिन्यूअस अल्टरनेट, क्योंकि इसका क्या बोले, अब कह देना पैरा पैरा मिडिल इज द प्रेजेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज ऑफ द हाइड्रोक्सीक्विनोन, है? मतलब सिंपल सी बात, पैरा पैरा
आर्थो वो पैरा की याद आ गई होगी है ना। देखिए आप लोग बड़ी मेहनत करते हो, गांव से आते हो, कुछ तो गांव से इसमें आते होंगे। गांव से कितने लोग आते हैं? अधिकांश लोग तो पैरा समझे होंगे। भैया वो पैरा नहीं है, ये पैरा बेंजीन रिंग की पोजीशन से इंडिकेट करता है। वो पैरा होता है, ये पैरा होता है ना। वो पैरा होता है, इसको गांव बोलते क्या पैरा बोलते, खरही जिसको होती है वो, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं जानना जो कुछ लोग सेंस लगाए थे, यहाँ पे सेंस लगाए थे कुछ लोग ऐसा कि ऐसा कुछ होगा, वो नहीं है। ये बेंजीन में इसकी पोजीशन है, जिसे बेंजीन की पोजीशन की बात की जाती है। संडे को कभी माइंड मेकअप बन रहा है, संडे को किसी दिन मास्टर क्लास लेने वाला हूँ। मास्टर क्लास में हैं, मास्टर क्लास में या H&W जो क्लास होगी, मास्टर वीडियो जो होगी, वो कंटिन्यूस कम से कम 4 घंटे की क्लास होगी, जिसमें 2 से 3 चैप्टर का कंप्लीट कराएंगे, है ना। खा पी के बैठ, और संडे ही होगा वो, चलिए देखते हैं। चलिए कोई 4 घंटे कम से कम क्लास चलेगी पानी, है ना। चलिए ध्यान दीजिए लाल यहाँ पे, हे भैया अब समझो बेटा। तो ये बात समझ में आ गई, पैरा पैरा क्लियर, और आर्थो पे हाइड्रोक्सिल, तो तीनों नहीं, तो ये बात समझ में आ गई ना। देखो क्लेटन फॉर्म में, लेकिन यहाँ पोजीशन कंटिन्यूस पकड़ रहा है, ये पैरा पैरा सेम वही, इसको उठा के यहाँ पर जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? अरे ये पैरा पैरा और ये आर्थो पे, एक स्ट्रक्चर बताए थे, ये पैरा और ये आर्थो, ये आर्थो, ये मेटा, ये मेटा। तो बात समझना, आमने सामने पोजीशन सेम होगी, ये आर्थो तो ये भी आर्थो। ये नहीं कि यहाँ पर आर्थो पढ़ाओ, इसके सामने वाले घर पे जाके मेटा पढ़ दो ना, आर्थो आर्थो, मेटा मेटा, पैरा पैरा। मैंने अगल बगल नहीं कहा है, आमने सामने, तो पैरा के सामने पैरा, आर्थो के सामने मेटा, के सामने मेटा। तो ये इनकी पोजीशन हो गई, इसलिए ध्यान दो, हे लाल पैरा पैरा, फिर ये आर्थो, आगे बात समझे। तो ये तीनों स्ट्रक्चर थोड़ा कॉमन दिख रहे थे जो डिस्टर्ब करते लास्ट में, पहले अपने इसको कंप्लीट कर लिया, याद हो गया स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। पायरोगेलॉल समझ में आ गया, कॉन्टीन्यूस पायरोग्लिसनॉल अल्टरनेट फॉर्म में, और हाइड्रोक्सीक्विनॉल पैरा पैरा मिडिल इन प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नई बात समझ में आई लाल, क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा डिफरेंस, समझ में आ गया लाल, हे भैया समझ में आया, क्लियर। अगला देखो बेटा, कौन सा चले अब, रिसोर्सिनॉल देख लो, रिसोर्सिनॉल, और फिर कौन सा बच्चा क्विनॉल, ये कॉमन नेम है, कैटचॉल, ये तीनों पढ़ लो ये अलग से, और क्रिसॉल, क्रिसॉल अलग पढ़ो, क्रिसॉल में एक कॉमन स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गया आप लोगों को, कैटचॉल क्या होता है, कैटचॉल स्ट्रक्चर में आप नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, ये आपने जो पढ़े हैं ये कौन से फिनॉल हैं, डाई हैं, ट्राई हैं, ट्राई है ना। अब डाई की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ेंगे, डाई हाइड्रिक फिनॉल, कौन सा फिनॉल, कौन सा फिनॉल लाल, डाई हाइड्रिक फिनॉल, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, रफ कर दिया जाए, सोन में आ गया लाल। चलिए ध्यान देते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, क्यों है वो स्कूल बंद करो, उधर करो, ठीक है। असम में आ गया, क्लियर दिख रहा है, है ना। चलिए लाल अब हम लोग चलते हैं कैटचॉल की तरफ, क्या हो जाएगा बेटा भैया, ये देखिए इसको कैटचॉल या कैटकॉल भी कहीं बोल दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, समझो बेटा। ये आपने इससे पहले जो तीनों के कॉम्बिनेशन पढ़े वो क्या थे, वो क्या थे लाल, वो आपके ट्राईहाइड्रिक फिनॉल थे। अब जो कैटचॉल क्यूनॉल रिसोर्सिनॉल, ये डाई होगा, आगे बस मोनो तो पढ़ ही चुके हो, एक OH प्रेजेंट होता है वही हो गया, है ना, क्यों वो तो सबसे पहले पढ़ चुके थे आप। अब ध्यान देंगे स्ट्रक्चर इसका आपने ये बनाया, क्लियर। अब इसमें ये तो कॉमन है, ये तो जुड़ेगा ही, आगे बात समझे। तो यहां पर OH जोड़ेंगे तो दैट इट क्या हो जाएगा, कैटचॉल,
कहाँ हो? आज ऑनलाइन टेस्ट लेंगे अभी, हैं? क्लोरल का आईपीएससी, आज क्लोरल का आईपीएससी नेम पूछेंगे अभी। 2015 में क्वेश्चन आया था क्लोरल का। क्लोरल, ध्यान दीजिएगा, ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड इसको बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आपका कैटचॉल हो गया। अब ध्यान देना, कैटचॉल। अब फिर अगला क्या बन जाएगा इसका लाल? अगला देखिए बेटा, ये यहाँ पर कर देंगे तो ये क्यूनॉल, क्यूनॉल करके। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर अगला यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉमन, ये आपका हो जाएगा रिसोर्सिनॉल। अब समझो यहाँ पर सीरियस होके, ज़्यादा सीरियस मत होना। ये आपका कैटचॉल, क्यूनॉल, क्या हो जाएगा लग? रिसोर्सिनॉल, क्या हो जाएगा लग? बात समझ में आ गई? ये किसके एग्जांपल हैं? डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया आपको, तीनों याद हो गए लाल, कंफर्म हो गया भैया? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? रटना तो नहीं पड़ा? क्लियर हो गया? आज के लेक्चर में हम लोग भले ही गलती से पढ़े, लेकिन बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड से आज हम लोग फिनॉल बनाना जरूर सीखेंगे। क्लियर? ध्यान रखिएगा, डॉ प्रोसेसेस से भी आज जिक्र करेंगे। डॉ प्रोसेसेस क्या होती है? कल क्वेश्चन आया था, किसी ने किया था, नाम नहीं बताने वाला, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था किसी का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में एक आइसोटोप्स नेम पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, अच्छा लगा। क्यों भैया? चलिए बात समझ में आ गई, ध्यान दीजिएगा। तो ये डॉ प्रोसेसेस से, डॉ प्रोसेसेस से और आपके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से एंड ऑफ सल्सिलिक जो था, और जो इम्पॉर्टेंट का इम्पॉर्टेंट एक है आपका, वो भी है लेटरमैन वाला भी पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है लाल, मानसे वाली रिएक्शंस। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है भैया। ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान देखिएगा, जो पहली बार चैनल से जुड़े होंगे गलती से, है ना, गलती से जुड़ेंगे सब्सक्राइब मत कीजिएगा और ना लाइक कीजिएगा ना शेयर कीजिएगा। अगर आप समझ के जुड़े हैं, कंटेंट आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं गलत तो नहीं बोला लाल? रीजन क्या, मेरे कहने से चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, स्टूडेंट्स एक बार मेरे सामने लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और जैसे दूर जाएगा अनसब्सक्राइब मार देगा। अगर उसको मेरा लेक्चर समझ में आया तो उसकी उंगली ऑटोमेटिक जाएगी। तो इसलिए भैया ऑनलाइन वाले भैया आपस रिक्वेस्ट है ना, अगर सोन में आएगा तभी आप ध्यान दीजिएगा। क्यों? एग्जांपल देखो आपको बोल रहा लाल ऐसा कुछ है, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, सब लोग सीरियस हो जाओ। देखो अब ये हो गया कैच, अब बात करते हैं कि आपका क्रिसॉल बचा हुआ है। सब्सक्राइब भैया ध्यान रखो, अभी ना करो, ठीक है। चलिए लाल, अगला कौन सा हो जाएगा? क्रिसॉल। क्रिसॉल की जब बात करेंगे लाल, तो एक स्ट्रक्चर आप देखिए ऐसे बनाते हैं, ये सब लोग सीरियस हो जाओ बिल्कुल से। क्रिसॉल ये क्या है? अभी नहीं है क्रिसॉल ये, हाँ मोनोहाइड्रिक, कोई एक मिनट क्या होगा लाल? मोनोहाइड्रिक, हाँ क्रीडेंस लाओ अपने में लाल, क्या होगा लाल? मोनोहाइड्रिक। हमें डाउट हो रहा है कि इतना नसों में आ जाएगी दिक्कत हो जाए, हैं? तुम्हारा वो क्वेश्चन याद आता है लाल, कार्बोक्सिलिक समूह वाला, ठीक है। हे लाल ये चीज, अब माइंड कॉन्सेंट्रेट लाल, सामने देखो, ये आप पोजीशन को इंडिकेट कर, सब लोग सामने देखो लाल, CH3। अब आप इसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? क्रिसॉल। बट क्रिसॉल सिर्फ कहना सही नहीं है, जब सेंटर में ऐसे इसको दिखे इंडिकेट किया जाएगा, तो यहां लिखेंगे आर्थो फिर पैरा मेटा, ये तो गलत हो गया, कैसे होना चाहिए? आर्थो मेटा पैरा, आर्थो कॉमा मेटा कॉमा पैरा हाइफन, क्योंकि अल्फाबेटिकल टू अल्फाबेटिकल कॉमा, डिजिट टू डिजिट कॉमा, अल्फाबेटिकल टू डिजिट हाइफन, जब सेम होगा तो कॉमा, जब डिफरेंस होगा तो हाइफन। आ गई बात समझ में? तो अल्फाबेटिकल टू अल्फाबेटिकल के बीच में कॉमा, इस टाइप का क्वेश्चंस आईआईटी वाले बहुत पूछते हैं, क्योंकि जानते को मन लगा के पढ़ के आया होगा, तो वो ऐसी जगह पे पॉइंट हटा देते हैं कि आप वहां समझ नहीं पाओगे। सिर्फ ये आपका वहां पर लिखा होगा सब में, वहाँ पर कॉमा ऐसे जो है, कॉमा के बजाय एक में कॉमा लगा दिया, दूसरे में हाइफन लगा दिया, बस गलत।
तो इसका मतलब समझिएगा यहां पर, ये क्लियर। तो आप क्या बोलेंगे, क्रिसॉल। आगे बात सुन बेटा, ये क्रिसॉल का। अब एक चीज और नोट करना यहां पे, क्या इसी को अलग अलग भी लिख सकते हो, इसी को अलग अलग भी लिख सकते। कैसे, ध्यान दो बेटा यहां पे, इसका मतलब आर्थो मतलब ये इस पर जुड़ा होगा, क्लियर। मेटा मतलब, क्लियर, और पैरा मतलब। आगे बात समझ लाल, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। एक स्ट्रक्चर देखिए आपका, ये हो जाएगा इसका नाम, सब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलिए इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा लाल, आर्थो क्रिसॉल, क्लियर है, सभी लोग समझ में आ गया, आर्थो पे जुड़ा आर्थो क्रिसॉल। अब देखिए इसका बताइए जल्दी सभी लोग बेटा, अगर इसका बताइए बेटा सभी लोग, मेटा क्रिसॉल। इसका बताइए लाल, क्यों भैया इस, सॉरी इसका बताइए लाल, पैरा क्रिसॉल। तो बात समझ में आ गई ना, अगर इसको आप तीनों को अलग अलग भी लिख कर सकते हैं और एक साथ में भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, सारी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं, तो कॉमन नेम वाली बात थी, तो अब आईपीएससी चलते हैं, क्लियर। पहली चीज मुझे ये बताइए, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, क्लियर हो गए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर नॉमक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बात की जाती है या फिनॉल की जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने मोनो भी समझ लिया, डाई भी समझ लिया एंड ट्राई, फिर भी कहीं पर भी किसी भी पॉइंट्स में किसी को दिक्कत आ रही हो तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके जरूर बैठा कीजिए, ध्यान रखिएगा सब लोग भैया। चलिए तो अब हम लोग इसमें ध्यान देते हैं, इसके आईपीएससी नेमिंग की तरफ चलते हैं। वैसे अगर इसकी नेमिंग की बात करोगे बेटा, अगर इसकी नेमिंग की बात करोगे तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1, 2, तो 1, 2 हाइफन, दो बार है डाई ऑल, 1, 2 हाइफन डाई ऑल, या लिखोगे क्या, बेंजीन 1, 2 हाइफन डाई ऑल। नई बात समझ में आई, क्लियर। इसका लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 4, नई बात समझ में आई, नहीं समझ में आया। इसका लिखोगे तो 1, 3, नई बात समझ में आई, नहीं आया। देखो छोटी सी बात, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 1 पर ओ एच ग्रुप, दूसरा ओ एच ग्रुप 2 पे, तो 1, 2, और दो बार है डाई, क्या है ओ एच हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, डाईऑल, ऐसे आप लिख सकते हो इसका। अब चलो थोड़ा डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। चलिए ये रफ कर दिया जाए, समझ में आ गया सब लोगों को लाल, वो बेटा बैठेंगे हैं, सब लोग समझ में आ गया लाल। चलिए अब ध्यान देते हैं आगे की तरफ, आईपीएससी, अच्छा आईपीएससी नेमिंग की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, आईपीएससी जब नेमिंग की बात की जाती है, तो यहाँ पर समझिएगा बेटा, यहाँ पर जैसे आपके सामने कंपाउंड्स में दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे क्या नेम हो जाएगा इसका, तो इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे आप, ऐसे डायरेक्टली 2-methyl, क्या हो जाएगा भाई, 2 पे जो 1, 2 पे मेथाइल जुड़ा है, मेथाइल क्या हो जाएगा, बेंजीन। नई बात सुने, क्या चिल्ला, बेंजीन लास्ट में होता है, या लिखना चाहो लिख सकते हो, समझ में आएगा कैसे नीलाल, ये कहा के किसने कहा नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 2, आपने जो लोग लाइव क्लासेस नहीं लिए थे इसलिए कहते हैं लाइव क्लासेस से जुड़े रहा करो सब लोग, है ना, स्टार्ट हो जाएगी फिर से जो है लाइव क्लासेज में, ये सारे पहला लेक्चर देख लीजिएगा जो नए लोग आए होंगे, वहाँ पर नॉमक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझाने का प्रयास किया गया है अच्छे से, पहला लेक्चर लाइव क्लास का देख लीजिएगा। 2-methyl, देखो 1, 2 पे जुड़ा हुआ है, तो 2 पे क्या जुड़ा है, 2 पे 2-methyl बेंजीन, ठीक, 2-methyl करके बेंजीन। अगर इसी का अलग नेम लिखना चाहोगे तो कैसे हो जाएगा, 2-methyl हाइड्रोक्सी बेंजीन,
हाइड्रोक्सी बेंजीन। नई बात सुन में आई, सुन में आ गई लाल। इसी चीज को आप देखिए यहां पर ऐसे इंडिकेट करेंगे, इसका नेम क्या हो जाएगा, टू हाइफन ब्रोमो बेंजीन या हाइड्रोक्सी दे सकते हैं लाल, बात समझिएगा। यहां पर अगला देखिए OH CH3 फिर CH3 से समझने के लिए बता रही है, क्या हो जाएगा 2.4 हाइफन डाई मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ऐसे कर सकते हो आपको, देखो इसमें माइंड में एक चीज सेट कर लो, क्या पहले जिस कार्बन पे जुड़ा होगा उसकी पोजीशन लिखना है, फिर वो जितनी बार है वो लिखना है, फिर क्या है वो लिख देना है, लास्ट में हाइड्रोक्सी बेंजीन जोड़ देना है। नहीं बात समझ, ये कॉमन है यार। देखिए ये जो है, अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आप फिनॉल चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, तो आप नॉमक्लेचर ऑफ फिनॉल नहीं पढ़ रहे हो, तो आप नॉमक्लेचर ऑफ टॉलुइन पढ़ रहे हो, आगे बात सुने। मतलब फिनॉल पढ़ोगे तो फिनॉल में OH ऊपर होगा, प्रेजेंट जरूर होगा। आगे इस बात समझ लाल भैया, हाँ तो लिख सकते हो बेंजीन करके दिल लिख सकते हो यहाँ पे, या टू हाइफन मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी करके बेंजीन यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन कॉमन है। ये तो वन, देखो यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 4, तो देखो क्या हो जाएगा 1, 2, 4 दो बार डाई मेथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन। आ गई बात सुन में, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, वन नहीं होगा ना, 2.4 तो 2.4 यही होगा, पहले वाला सही था ना, 2.4 डाई हाइड्रोक्स। आ गई बात सुन में क्लियर। अब देखिए अगर ट्राई की बात करते, जो आप पढ़ चुके हैं कंटिन्यूअस जो उसमें पढ़ चुके थे आप लोग अभी, ये OH और ये OH फिर करके यहाँ पर OH करके दे, तो ये आपके हाइड्रोक्सी बेंजीन होते हैं। मतलब इसमें अगर किसी के साथ में फिनॉल के साथ में एक से अधिक अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इनको बेंजीन का क्या मान लिया जाता है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मान लिया जाता है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मान लिया जाता है। मतलब हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं ये बेंजीन, मतलब कि फिनॉल में एक से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनको क्या मान लेंगे, बेंजीन का हाइड्रोक्सी। बात समझ में आ गई, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन ध्यान दीजिएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1.2.3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। नहीं बात सुन में आई, नहीं आई, फिर से समझ लाल जल्दी से, टाइम कितना हुआ देखो ला, उसका आप बेटा क्या हो, नहीं आप डेरिवेटिव ऑफ फादर, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, मतलब एक बात समझिएगा, बेंजीन की बात, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन से जो बन के तैयार हो रहा है, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स इसीलिए कहा जाता है बेंजीन, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन। अब गलती से ना कह दो कि ये मतलब फिनॉल जो होता है, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, भाई जो फिनॉल था बेंजीन से ही तो आया है, तो इसलिए बोलेंगे कि ये फिनॉल किसका डेरिवेटिव है, आप गलती ना कह देना बेंजीन जो है फिनॉल का डेरिवेटिव है। अब पापा जैसे आप लोग अपने पापा के डेरिवेटिव हो, और गलती से ना बोल देना फिर, है ना, समझ गए बात क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई कि जो आप जो होते हैं ये हाइड्रोक्सी अलग से होते हैं बेंजीन। चलिए चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी लोगों को। अब इसमें लास्ट में हम लोग देखते हैं आइसोमेरिन इन फिनॉल, देखो आइसोमेरिन, जैसे आइसोमेरिन की बात आए तो माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, क्या कि आइसोमेरिन का मतलब क्या होता है, बताओगे ना, आइसोमेरिन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, डिफिनेशन पूछ रहा हूँ, जिनके अड़ोसोत, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अड़सूत्र तो समान होते हैं किंतु उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो क्या कहलाते हैं, आइसोमेरिन। नहीं समझा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर डिफरेंस दैट इज आइसोमेरिन।
आ गई बात समझ में, नई बात समझ में आई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंस, तो क्या हो गया आइसोमेरिम। जैसे आप शीशे के सामने जब खड़े होते, बढ़िया एग्जांपल लीजिए, शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं, ध्यान दो जल्दी से, शीशे के सामने जब आप गलती से खड़े होते हैं तो आपके स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंस। बट आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंस होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं आपके हाथ पैर सब उतने ही रहते हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन सब स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिम। बढ़िया, शीशे के सामने जाना तो याद कर लेना किसी ने आइसोमेरिम आज बताया था, स्ट्रक्चर आइसोमेरिम, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब ध्यान, हे लाल ध्यान दो, आइसोमेरिम इन फिनॉल। अब देखिए, जब आइसोमेरिन फिनॉल की बात करेंगे तो पहला एग्जाम्पल तो हम लोग पढ़ चुके थे पोजिशन आइसोमेरिन। तो एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया कि आइसोमेरिम क्या होते, क्या होते हैं, ठीक है, आइसोमेरिम समझ लो क्या होते हैं, सब लोग समझ गए ना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके होते हैं किंतु उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है तो क्या कहलाते हैं, आइसोमेरिन कहलाते हैं। क्लियर। अब जब बात करते हैं इसकी तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पर आइसोमेरिन इन फिनॉल में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसमें किस प्रकार की समावयता होती है। पहली चीज पोजीशन आइसोमेरिन, फिर दूसरी यहाँ पर एफ जी आइसोमेरिन, पोजीशन आइसोमेरिन और एफ जी आइसोमेरिन, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमेरिन और एफ जी आइसोमेरिन, ध्यान देना। जैसे आप पोजीशन की बात करते हैं तो ऑलरेडी पोजीशन आइसोमेरिम में अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये ऐसी आइसोमेरिम होगी जिसमें समूह, जिसमें ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। पोजीशन आइसोमेरिम में पोजीशन चेंज, एफजी आइसोमेरिन में एफजी चेंज, चैन आइसोमेरिन में चैन। बढ़िया एग्जांपल ट्री कही सर, रखो दिमाग में, बस आठ लाइन की डिफिनेशन याद करने से क्या मतलब, माइंड में याद कर लो, एफ जी आइसोमेरिन एफ जी चेंज, पोजीशन आइसोमेरिन चैन आइसोमेरिन, दैट इज, समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो पोजीशन की बात करते लाल, सबसे बढ़िया अभी आप लोग पढ़ चुके क्रिसॉल, क्रिसॉल में आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉमन सी चीज है, फिनॉल दिया गया, क्यों भैया सोन में आ रहा है लाल, भैया सोन में आ रहा है लाल, आप ध्यान दीजिएगा तीनों स्ट्रक्चर क्या है लाल, सेम है। अब देखिए एक सी एस थ्री यहां जुड़ गया और यही सी एस थ्री, समझो ध्यान से लाल, तुम लाल इतने दिन के बाद आए हो, तुमको देखो डिस्टर्ब कर रहा है देखो लाल, एक तो बेचारा कभी कभी आता है वो लाल, अब ठीक हो लाल, चलो भैया ये सी एस थ्री यहाँ जुड़ा हुआ है और यही सी एस थ्री कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ गया, क्लियर, और यही सी एस थ्री अब यहाँ पर जुड़ गया। अब बताइए ये कौन सी मैरिज हुई आइसोमेरिन, कौन सी हिलाल, सब लोग बताओ पोजीशन हुई कि नहीं हुई, क्या चेंज हुई हिलाल, बताओ भैया पोजीशन चेंज हुई तो पोजीशन आइसोमेरिन, कहोगे कैसे, ध्यान दो, ये पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस वाले स्ट्रक्चर में CH3 किस कार्बन पे जुड़ा है, तो 2 पे जुड़ा है, क्लियर, और इस वाले पे और इस वाले पे, सभी की तीनों की पोजीशन चेंज है ना, तो ये चेंज है मतलब कंफर्म हो गया, क्या चेंज है, तो कौन सी मेरिम हुई, पोजीशन आइसोमेरिम, पोजीशन चेंज, पोजीशन आइसोमेरिम। अब समझो लाल यहाँ पे जरा एक चीज ये भी समझो कि आइसोमेरिम का मतलब क्या होता है, जितने कार्बन यहाँ होंगे उतने ही कार्बन यहाँ भी हैं, और जितने कार्बन इसमें हैं उतने ही कार्बन, अगर एक भी कार्बन हाइड्रोजन घट बढ़ गया, एक भी कार्बन हाइड्रोजन घट बढ़ गया तो आइसोमेरिन नहीं होगा, क्योंकि आइसोमेरिन का की कॉमन डिफिनीशन स्टार्टिंग में यही बताई जाती है क्या,
कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंस होंगे और स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा किसी पोजीशन, किसी चैन, किसी एफजी, किसी टाइटो, किसी मेटा, किसी के स्ट्रक्चर, किसी ऑप्टिकल, किसी ऑप्शन, कई सारे चेंज होते जाएंगे, तो वैसे उनका आइसोमेरिम बनता। बात समझ में आ गई ना? तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा लाल, क्या भैया ये पोजीशन आइसोमेरिम हो गई, कौन सी? यहाँ जितने कार्बन हाइड्रोजन्स हैं उतने ही कार्बन हाइड्रोजन सभी में प्रेजेंट हैं भाई, डिफरेंस यही तो आ रहा है। ये CH3 है, ये CH3, ये CH3, बाकी सारे स्ट्रक्चर देखो ये सब पोजीशन चेंज हो गए। चलते हम लोग एफजी के पास, किसके पास चलते? एक एफजी दूसरे एफजी में चेंज तो क्या हो जाएगा? एफजी आइसोमेरिम। नई बात समझ आई? सोन में आ गया लाल ना? तो सेकेंड हेडिंग कौन सी हो जाएगी? एफजी आइसोमेरिम इन फिनॉल। फिनॉल में एफजी समावेता होगी तो कैसी होगी? बात सुन में आया? रटना तो नहीं पड़ा? सुन में आ गया? क्लियर? चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं लाल, ध्यान दीजिएगा भैया सभी लोग, सॉरी, ये आपका OH हो गया। अब इसको OH, इसको तोड़ना किसी चीज में है, तो इसको एक आपका हो गया CH2OH। क्लियर? अगला स्ट्रक्चर देखिए बनाइए इसका, यहां पर इसका कैसे करेंगे बताइए जल्दी से। OCH3 लाइव क्लास से पढ़ा चुका हूँ लाल, एनिसॉल, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, और ये एनिसॉल करके, एनिसॉल CCH5 OCH3 करके वहाँ पर CC तोड़ा गया था, बेंजिल एल्कोहल और एनिसॉल। ध्यान देना, सॉल ध्यान देना, कितने यहाँ पर हैं, कितने हाइड्रोजन हैं? 2 और ये 3 है, कितने हाइड्रोजन हैं? 3 और कितने कार्बन? यहाँ कितने कार्बन? 1। कंफर्म हो गया ना? तो अब देखो इक्वल है कि नहीं है ये, बस इसको लिखने का तरीका यहाँ चेंज हो गया है, एक बेंजिल हो गया, दूसरा एनिसॉल हो गया। आ गई बात समझ में? क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर से ऐसे ही मीन से समझाने का प्रयास मैं करूँगा, फिर भी आपके अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस से, कोई वीकनेस से, कौन सा पॉइंट्स लाल, कौन सा? ये बेंजिल अल्कोहल हो जाए। क्लियर? चलिए इसको मैं फिर से एक बार बता दूंगा नेक्स्ट डे, ध्यान दीजिएगा, और इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स रहेंगे समझाने का प्रयास किया जाएगा, और एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूँ। आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, बेशक बेचक हो गए पूछिएगा जरूर, लेकिन ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन जो भी है, इसकी मैथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। दो लेक्चर में फिनॉल आपका एंड हो गया, और इसमें से आपका 25% आना है, ध्यान रखिए। और स्टार्टिंग में जो अब तक आपने पढ़ा है ऑफलाइन वाले भैया, इसमें कुछ नहीं आने वाला है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आएगा सिर्फ, बस, ठीक है ना? वो भी स्टार्टिंग से आएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। कल के लेक्चर से आपके कम से कम 10 नंबर का आएगा कल के लेक्चर से, तो ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। चलिए लालू के लाल, ठीक, थैंक्स लालू।